Please like, share and subscribe to our YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके लिए लेकर आए हैं एक 3BHK इंडिपेंडेंट विला। अगर इसके एड्रेस की बात कर ले तो ये अपने निवारु रोड पर पड़ेगा, लक्ष्मी नगर सब्जी मंडी के पास। डिस्टेंस की बात करें तो रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर के आसपास, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी पड़ेगी। रेडी टू मूव इन विला है। अगर एरिया की बात करें तो 80 गज में 1400 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया में है ये विला। ऑलरेडी अप्रूव्ड और इजीली लोनेबल है। अब मैं आपको एक बार पूरे विला का वॉक अराउंड दे देता हूं और सारी डिटेल समझा देता हूं। इसके अलावा बाकी जो और भी डिटेल चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। ये विला की एंट्रेंस है जो कि आप देख रहे हैं। आप इजीली एक कार पार्क और एक दो बाइक पार्क कर सकते हैं। ये फ्रंट एंट्रेंस रहेगी। अगर फ्रंट की बात करें अपन तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल मिल जाएगा, एक रूम मिलेगा। रूम के अंदर ही अटैच लेट बाथ होंगे। उसी वॉशरूम का रास्ता हॉल से भी होगा और रूम से भी होगा। और अगर रूम में बात करें तो एक किचन मिल जाएगी आपको ग्राउंड फ्लोर पे, और ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स मिल जाएगी। ये जो आप हॉल देख रहे हैं इसके अंदर फोर सीलिंग हुई हुई है। रूम में किसी में भी आपको फोर सीलिंग नहीं मिलेगी। जितने भी रूम में सब में आपको फर्नीचर लगा हुआ मिलेगा, मॉड्यूलर किचन मिलेगा, फैन ट्यूबलाइट वगैरह सब कुछ आपको लगी हुई मिलेगी। अभी प्रेजेंट स्टेज में काम चल रहा है, 15-20 दिन में सब काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किचन है इसकी। सब फिटिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आप प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। ये ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम है जिसका रास्ता आपको रूम से भी मिलेगा और हॉल से भी मिल जाएगा। वॉशरूम में भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं है दिन में। या फर्स्ट बेडरूम देख रहे ग्राउंड फ्लोर पे, इसके अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में जगह छोड़ी गई है और इसके अंदर आपको वार्डरोब मिल जाएगी लगी हुई। जैसे कि अभी देख सकते हैं अभी फर्नीचर लगा नहीं है, जल्दी लग के रेडी हो जाएगा ये। इस पे छोड़ी भी प्रोविजन, अगर आप कूलर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये स्टेयर्स है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जाएगी। अगर अपन फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको दो रूम मिल जाएंगे, बीच में ये कॉमन एरिया मिल जाएगा दोनों रूमों के बीच में। जैसे आपने नीचे देखा था एक रूम और उसके बगल में वॉशरूम, उसी सेम पैटर्न पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। वही सेम रास्ता रूम के अंदर से भी होगा और हॉल के अंदर से भी होगा। जैसे नीचे वाले में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी हुई थी वैसे ही फर्स्ट फ्लोर वाले में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम पैटर्न पे ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको किचन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ रूम मिलेगा, दो रूम मिल जाएंगे, बालकनी भी मिल जाएगी फर्स्ट फ्लोर रूम में एक्स्ट्रा। आपको ये फ्रंट की साइड रूम होगा उसके अंदर आपको बालकनी मिल जाएगी, वार्डरोब वगैरह सब कंप्लीट होके मिलेगा आपको। ये स्पेस छोड़ रखी है, इसके अंदर फर्नीचर का काम बाकी है अभी, जैसे कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए बताया था। सेम वैसे ही वेंटिलेशन छोड़ा हुआ जैसे नीचे छोड़ा हुआ था। या आप दूसरा रूम देख रहे हैं, मास्टर बेडरूम कह सकते हैं अपन इसे।
सबके अंदर आपको एसी की फिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट मिलेगी। इसके साथ अटैच आपको बालकनी मिल जाएगी, फुल साइज वार्डरोब मिल जाएगी, पूरी एक वॉल वार्डरोब है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये बालकनी है जो कि इस रूम के साथ अटैच्ड है। बाकी और सारी इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन वगैरह है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं नीचे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।